हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखें। दोस्तों, अगर आप भी कोई 2 टन का एसी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 15-16 एसी ब्रांड्स के 2 टन मॉडल्स को कंपेयर करने वाला हूं, क्योंकि 2 टन एसीज के ऊपर और वीडियोज आएंगी ऐसा मैं कह नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले, कोई भी एसी रेकमेंड करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 2 टन का अगर आप एसी कंसीडर कर रहे हैं तो सीधी सी बात यही है कि आपका जो एरिया है वो बड़ा है, 200 स्क्वायर फीट, 250 या 300 स्क्वायर फीट का है, या फिर एरिया तो छोटा है लेकिन उसमें हीट सोर्स बहुत ज़्यादा है, तब आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा कि आप ओवर टनेज का एक एसी ले लीजिए। इन दोनों ही सिनेरियो में अगर आप कोई ओवर टनेज का एसी लगाते हो तो डेफिनेटली आपको कूलिंग अच्छी मिलती है। 2 टन के एसी की बात करें तो कंपैरेटिवली महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, क्योंकि भाई ज़्यादा कूलिंग करेगा वो और कंपनीज उसके लिए ज़्यादा चार्ज करती हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो कहीं पे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप हमेशा वो प्रोडक्ट लें जो ड्यूरेबल हो और कूलिंग अच्छी करे, आपका जो लार्ज एरिया है उसको वो अच्छे से कूल करे। बेसिकली जिस काम के लिए आप एसी ले रहे हो वो काम तो होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि कूलिंग के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। एसी तो आपने ले लिया बहुत अच्छे ब्रांड का, तो ऐसे में आपको पहले समझना है, मेरी इस वीडियो में मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें आप एक बार सुन लोगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगा कि आपको कौन से ब्रांड का एसी लेना है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप 2 टन एसी लेने का मन बना चुके हो तो आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी ही होगी, क्योंकि 2 टन का एसी है, कूलिंग ज़्यादा करेगा तो पावर भी खींचेगा, तो बिजली का बिल ऐसा नहीं है 1.5 टन जितना आ जाएगा, 5 स्टार ले लो बेशक, बिजली का बिल ज़्यादा ही आएगा 2 टन एसी में। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा कर रखो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 15 ब्रांड्स के जो एसी मॉडल्स हैं मेरे पास, उनका कंपैरिजन। सबसे पहले बात करेंगे हम पैनासोनिक ब्रांड की, जो एक जैपनीज ब्रांड है, बहुत बेहतरीन एसी बनाते हैं, फीचर्स बहुत सारे होते हैं इनके एसीज में, मैंने भी आपको काफ़ी वीडियोस में इनके एसी रेकमेंड किए हैं, बट 1.5 या फिर 1 टन कैपेसिटी में। जब बात 2 टन के एसी की आती है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको पैनासोनिक का एसी लेना है या नहीं लेना है। अगर आपने बड़े रूम में लगाना है तो आपको कूलिंग के साथ हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, क्योंकि ये बोलते तो 2 टन है लेकिन इनके एसी एक्चुअली 1.8 टन के भी नहीं होते हैं। अब दोस्तों, जो इनका 5 स्टार वाला मॉडल है, 5 स्टार वाला मॉडल 6100 कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, जिसका मतलब है 1.73 टन का वो एसी है। इसके बाद एक 4 स्टार रेटिंग का मॉडल आता है, उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 6250 वॉट, जिसका मतलब है कि वो एक्चुअली 1.77 टन का एसी है। और एक मॉडल 3 स्टार रेटिंग का आता है, उसकी एक्चुअल टनेज है 1.79 टन, क्योंकि उसकी कूलिंग कैपेसिटी 6300 वॉट की है। तो ये तीनों ही एसी 1.8 टन के भी नहीं है लेकिन कंपनी इनको 2 टन का बोलकर बेचती है। तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कोई भी एसी लेने से पहले, कि क्या आप एक 2 टन का एसी ले रहे हैं या फिर 1.8 टन का एसी ले रहे हैं। क्योंकि प्राइस की अगर बात करूं तो जो 3 स्टार वाला एसी है, 3 स्टार वाला एसी है, वो 50,000 के आसपास मिलेगा, 4 स्टार वाला 54,000 के आसपास मिलेगा, और 5 स्टार वाला तो 65,000 के आसपास आपको मिलता है। तो इतने पैसे जब आप खर्च करने की सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा तो सोचो। उसके बाद बात करते हैं एक और पॉपुलर ब्रांड, जो जन्मदाता है एयर कंडीशनर के, फादर ऑफ एयर कंडीशनर भी बोल देते हैं, कैरियर। कैरियर ब्रांड के एसी बहुत अच्छे होते हैं, मैंने आपको रेकमेंड किए हैं, बट दोबारा से वही चीज़ बोल रहा हूँ, 1.5 या फिर 1 टन कैपेसिटी में, वो भी कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स हैं, सारे नहीं। अब 2 टन में अगर बात करें तो इनके 2 मॉडल आते हैं, एक 3 स्टार रेटिंग में आता है, एक 5 स्टार रेटिंग में आता है, और ये भी कोसों दूर हैं 2 टन की एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी से। जो इनका 5 स्टार वाला मॉडल है उसकी कूलिंग कैपेसिटी सिर्फ 6000 वॉट की है। इट मीन्स कि इनका ये एसी सिर्फ और सिर्फ 1.7 टन का एसी है, जिसको ये 2 टन का बोलकर बेचते हैं। और इसी तरह से जो इनका 3 स्टार वाला एसी है उसकी कूलिंग कैपेसिटी 6300 वॉट है, वो एसी 1.79 टन का है। चलो 1.8 टन मान लो उसको, लेकिन है नहीं, 1.79 टन का ही है। तो 2 टन बोलकर ये बेचते हैं लेकिन कूलिंग कैपेसिटी आप देखो कितनी कम है। प्राइस की अगर बात करूं तो कैरियर का 3 स्टार रेटिंग वाला जो एसी है वो आपको लगभग 48,000 का मिलेगा, और जो एसी इनका 5 स्टार वाला है वो आपको लगभग 52,000 का मिलेगा। तो इतने पैसे आप खर्चोगे तो थोड़ा सोचो। उसके बाद बात करेंगे हम एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड के बारे में, वोल्टास। आपको लगेगा मैं कहीं पर देखकर बोल रहा हूँ, हाँ मैं देखकर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं याद नहीं कर सकता, मैंने लिखी हुई है एक पैड के ऊपर, वहाँ से देखकर ही बोल रहा हूँ। तो अब बात करते हैं वोल्टास की। तो वोल्टास का जो एसी है उसमें भी आपको 2 मॉडल मिलेंगे, एक 3 स्टार और एक 3 स्टार और एक 5 स्टार। जो 5 स्टार वाला मॉडल है
उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 6200 वॉट। इसका मतलब 1.76 एक्चुअल टनेज है उस एसी की, और उस एसी का प्राइस है 54,000 के अराउंड। और जो इनका 3-स्टार वाला एसी है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 6500 वॉट्स, वो एसी 1.85 टन का एसी है। तो ये एसी है जो थोड़ा सा नज़दीक जा रहा है, बट फिर भी 2 टन से तो काफ़ी दूर है, और इसका जो प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास। तो अगर आप कोई 1.8 टन का एसी ढूंढ रहे हो तो आप वोल्टास का ये मॉडल ले सकते हो जो 3-स्टार रेटिंग में है। इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको इनमें से कोई एसी चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी जो मैं रेकमेंड करूंगा उनके भी कोशिश करूंगा लिंक में डाल दूं। तो वोल्टास की कहानी आपने सुन ली, अब बात हम करते हैं एलजी की। एलजी का तो बहुत ही बढ़िया एसी होते हैं, हमने भी लगवा रखा है अपने स्टूडियो में। लेकिन दोस्तों 1.5 टन में अगर बात करें तो भी अब जो इन्होंने कर दिया है 5-स्टार वाले एसी हैं, कूलिंग कैपेसिटी ही रिड्यूस कर दी है उसकी, तो 2 टन में भी यही सब कुछ होने वाला है। तो 2 टन में जो इनका मॉडल आता है वो 3-स्टार रेटिंग में आता है, ऑलमोस्ट आपको 55,000 का वो मिल जाता है। उस एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 6,300 वॉट है। इट मीन्स कि वो एसी 1.79 टन का एसी है, या ये कह लो कि 1.8 टन का वो एसी है जिसको ये 2 टन का कहकर बेचते हैं। तो आपको सोचना चाहिए एलजी का भी 2 टन एसी अगर लेना है आपने, क्या आपकी कूलिंग रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करेगा? ये आप खुद से सोचिए, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अभी फिलहाल डिटेल्स बता रहा हूँ सारे ब्रांड्स की। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक इंडियन ब्रांड ब्लू स्टार। ब्लू स्टार के भी बहुत सारे एसी हैं और बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी होती है इनकी। एक गर्मी वाला वो आता है इंसान, फिर एसी इनका उसको चिल्ड कर देता है, आपने देखा होगा टीवी कमर्शियल है वो। लेकिन जो ब्लू स्टार के एसी हैं अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 टन कैपेसिटी में बताता हूँ इनकी भी डिटेल आपको। तो ब्लू स्टार का 3-स्टार रेटिंग में एक एसी मिलेगा आपको 2 टन कैपेसिटी में। उसकी जो वॉटेज है, कूलिंग कैपेसिटी की वॉटेज, वो है 6350 वॉट्स। और इनका ये जो एसी है ये एक्चुअली 1.8 टन का एसी है जिसको ये 2 टन का कहकर बेचते हैं। तो 1.8 टन का अगर आपको कोई एसी लेना है तो आप ब्लू स्टार का ये एसी ले सकते हो, या फिर वोल्टास का भी जो बताया था वो ले सकते हो, एलजी का ले सकते हो। लेकिन 2 टन का अगर आपको चाहिए और उतना ही एरिया है आपका जितना 2 टन के लिए, मतलब आपको एसी चाहिए ही उतने एरिए के लिए, तो शायद ये उतनी कूलिंग ना कर पाए। ब्लू स्टार का जो एसी है लगभग 48,000 के अराउंड आपको कॉस्ट करेगा। देन बात करते हैं लॉयड के एसी की। लॉयड भी आप सब जानते हो इंडियन ब्रांड है, हैवल्स के साथ मिलकर बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स। इनका एसी भी 3-स्टार रेटिंग में आता है और 6400 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। और लॉयड का ये एसी 1.81 टन का एसी है। तो लॉयड का एसी 1.81 टन का एसी है। तो अगर आपको एक 1.8 टन का एसी चाहिए तो आप लॉयड का ये एसी कंसीडर कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद इसके प्राइस की अगर बात करूं तो ये भी लगभग 46,500 के अराउंड आपको ये एसी मिल जाएगा लॉयड का। अब बात करते हैं सैमसंग की। भाई सैमसंग के एसीज बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, विंड फ्री एसी आ गया, कभी कुछ आ गया। तो ऐसे में सैमसंग के जो एसी हैं 2 टन के, वो आपको लगभग 52,000 के अराउंड कहीं मिलेगा। और उस मॉडल की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो एलजी के एसी से भी बहुत कम है। उसकी कूलिंग कैपेसिटी सिर्फ 6,000 वॉट की है। इट मीन्स कि सैमसंग का 2 टन का एसी सिर्फ और सिर्फ 1.7 टन का एसी है। तो आप अब देख लीजिए कि सैमसंग का एसी आपको लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद बात करते हैं गोदरेज। गोदरेज के एसी बहुत अच्छे आ रहे हैं 2023 में, लेकिन फिर से वही बात कहूंगा, 1.5 टन या फिर 1 टन कैपेसिटी में आप उनको कंसीडर कीजिए। 2 टन की जब बात आती है तो मतलब मेरे ख्याल 7-8 ब्रांड तो आपको बता दिए हैं, कहीं नहीं है 2 टन की एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी के पास। तो चलिए, गोदरेज का एक 5-स्टार मॉडल आता है और एक 3-स्टार मॉडल आता है। 2 मॉडल आपको मिलेंगे, और एक है लगभग 50,000 रुपये का और एक है 40,000 के आसपास मिलेगा आपको। और जो 5-स्टार वाला इनका मॉडल है उसकी कूलिंग कैपेसिटी 6100 वॉट है। इसका मतलब कि 1.73 टन का वो एसी है जिसको ये 2 टन का बोलकर बेचते हैं। और इसी तरह से 3-स्टार वाला जो मॉडल है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 6050 वॉट और उसकी एक्चुअल टनेज है 1.72 टन। तो ये अब आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड कूलिंग है। अच्छा एक बात और बता दूँ, अभी 2-3 ब्रांड और है मेरे पास, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये 2 टन के एसी होते हैं ना, ज़्यादातर इनका जब आप अमेजोन के ऊपर जाओगे, स्टार रेटिंग लेवल देखोगे, कूलिंग कैपेसिटी वगैरह देखनी होगी आपको, तो दिखेगी नहीं, बहुत ही ब्लर सी इमेज लगाते हैं ताकि समझ ही ना आए। तो मैंने ये काफ़ी मतलब मशक्कत करी है सोर्स करने में, इन मॉडल्स की डिटेल्स निकालने की, तब जाके मुझे मिली है इनकी एक्चुअल टनेज और कूलिंग कैपेसिटीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं एक अमेरिकन ब्रांड वर्लपूल।
वर्लपूल के बहुत सारे एसी मार्केट में हैं, इसी तरह से 2 टन के एसी भी हैं इनके। तो 2 टन में इनका एक मॉडल आता है 3 स्टार रेटिंग में, लगभग 42,000 के आसपास अराउंड कॉस्ट करता है वो। तो वो मॉडल जो है वो 6 to 50 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि उसका जो एक्चुअल टनेज है वो है 1.77 टन। तो आप अब समझ सकते हो कि वर्लपूल का भी एसी एक्चुअली 2 टन का एसी है ही नहीं। तो चलिए उसके बाद एक और ब्रांड ले लेते हैं, क्रूज एक अच्छा ब्रांड आया है आजकल, अच्छे उसके एसी हैं। बट जब 2 टन में उसकी भी बात मैंने देखी तो है सस्ता, लगभग 40,000 से भी कम में आपको मिल जाएगा। और 3 स्टार रेटिंग में ये मॉडल आता है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 6 to 50 वॉट। इट मीन्स कि ये एसी भी 1.77 टन का एसी है। तो अगर आपको 1.8 टन का ही एसी लेना है तो आप सस्ता ले लो, इतने ज़्यादा महंगे 65,000 पे जाने की ज़रूरत क्या है जब आपको वही चीज़ 40,000 में मिल रही है। तो ये चीज़ आप सोचो कि आपको कितने टन का एसी लेना है। अब बात हम करेंगे, ये तो हो गए वो ब्रांड जो बोलते तो 2 टन है लेकिन होते 2 टन नहीं है एक्चुअली। तो ये तो हो गए लगभग 10 ब्रांड मैंने आपको बताए हैं जिनके एसी मॉडल्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं और बताया है आपको कि किस तरह से 2 टन बोलकर ये रिड्यूस्ड कूलिंग कैपेसिटी वाले एसी आपको बेचते हैं। अब हम बात करेंगे उन ब्रांड्स की जो बोलते हैं 2 टन और देते हैं 2 टन। अब उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिटाची के एसी की। हिटाची के दोस्तों 2 मॉडल आते हैं इन्वर्टर टाइप में, दोनों ही 3 स्टार रेटिंग में आपको मिलेंगे। एक की कूलिंग कैपेसिटी है 6950 वॉट, और जिसका मतलब यह है कि एक्चुअल टनेज उस एसी के है 1.97, बहुत ही करीब 2 टन के, ठीक है। तो ये एसी आप कंसीडर कर सकते हो, ये एसी आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा। ये पहला एसी है जो इस वीडियो में बोल रहा हूं कि कंसीडर कर सकते हो आप, ये एसी आपको अच्छी कूलिंग देगा। और इस एसी का प्राइस लगभग 51,000 के अराउंड है। उसके बाद आपको 3 स्टार रेटिंग का एक और मॉडल मिलेगा जिसकी कॉस्टिंग है 49,000 के अराउंड, उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 7,000 वॉट्स। इट मीन्स कि वो एसी 1.99 टन का एसी है। तो आप इन दोनों ही एसीज को कंसीडर कर सकते हो, ये दोनों ही मॉडल्स अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हैं। आप उससे भी ले सकते हो या फिर बाहर से मिल जाए तो बाहर से ले लो। अच्छा, बाहर से लेना है तो अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी में इंटरेस्टेड हो तो हिटाची का एक नॉन इन्वर्टर मॉडल बताता हूं 2 टन कैपेसिटी में। हिटाची की एक सीरीज आती है ताकेशी सीरीज, बहुत ही बेटर सीरीज है, 2 टन, 2.5 टन, 3 टन तक भी एसी मिल जाएंगे उसमें आपको। उस एसी को अगर आप लेते हो तो लगभग 50,000 से ऊपर वो मिलेगा आपको, और उस एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 6900 वॉट्स। इट मीन्स कि वो एसी 1.96 टन का एसी है। तो अगर आपको नॉन इन्वर्टर में लेना है तो ताकेशी सीरीज का ले लो, अगर आप इन्वर्टर में लेना है तो ये जो मैं 2 मॉडल बता रहा हूँ ये आप ले सकते हो। अब हम बात करेंगे और 4 एसी ब्रांड्स के बारे में जो अमेजोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। कोई लोग कमेंट करते हैं मुझे कि यार सारी चीज़ें आप वही बताते हो जो अमेजोन के ऊपर होती हैं, लेकिन दोस्तों आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई हैं जो अमेजोन के ऊपर नहीं मिलती आपको, वो ऑफलाइन ही मिलती हैं। और इस वीडियो में भी आपको अब जो मॉडल्स बताने वाला हूँ 2 टन के, वो सारे के सारे आपको ऑफलाइन ही मिलेंगे। ऑनलाइन लेना भी मत उनको, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ आप ऑनलाइन लोगे कल को कोई 1921 हो गई तो समझ लेना फिर आपकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। तो ऐसे में हिटाची का एसी है जो वो आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वो अवेलेबल है। उसके बाद अब बात करेंगे हम डाइकिन के एसी की। डाइकिन में 1.8 टन कैपेसिटी भी आती है और 2.02 टन की कैपेसिटी भी आती है। तो अगर आपको 1.8 टन का कोई एसी लेना है तो आप डाइकिन को छोड़ो क्योंकि उसका थोड़ा सा महंगा आएगा। आपको पहले जो 10 ब्रांड बताए हैं उसमें से कोई भी ले लो क्योंकि वो सस्ता मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको 2 टन का ही एसी लेना है तो डाइकिन का 2.02 टन कैपेसिटी वाला एसी आता है। 2 मॉडल आते हैं, GTKL और FTKL। दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ यह है कि FTKL जो है वो 3 मीटर पाइप के साथ आता है, एक्सेसरीज होती हैं उसमें, और GTKL में वो नहीं होती हैं। तो अगर आपके यहाँ पर इंटरनल केबलिंग वगैरह हुई हुई है तो आप GTKL मॉडल ले सकते हो, या फिर आपको फ्रेश ही सारा काम कराना है तो आप FTKL ले लो। तो दोनों के प्राइस में थोड़ा सा फर्क आपको जरूर मिलेगा। हालांकि ये दोनों ही एसी लगभग 60,000 रुपये के आसपास मिलेंगे आपको। ये दोनों ही मॉडल इन्वर्टर सीरीज के हैं, 3 स्टार रेटिंग के हैं। इन दोनों ही मॉडल्स की कूलिंग कैपेसिटी 7100 वॉट की है और ये दोनों ही एसी 2.01 टन के एसी हैं। तो हिटाची हो गया, डाइकिन हो गया। अब बात हम करेंगे एक और एसी ब्रांड की, एंड दैट इज ओ जनरल। जनरल के एसी सेटा मॉडल मैं आपको हाईली रिकमेंड करता आया हूँ पिछले साल से या फिर उससे भी पिछले साल से, क्योंकि सेटा मॉडल्स की परफॉर्मेंस बहुत बेटर है।
सेटा मॉडल 2 टन में भी आता है और एक मॉडल है BMW इनका, वो भी 2 टन में आता है। तो दोनों, या तो सेटा ले लो या BMW ले लो, इनमें से कोई भी मॉडल आप ले सकते हो। BMW वाली जो सीरीज है वो नॉन इन्वर्टर में है और सेटा सीरीज जो है वो 5-स्टार रेटिंग का AC आपको मिलेगा, वो है इन्वर्टर सीरीज में। सेटा सीरीज का 5-स्टार रेटिंग का अगर आप AC देख रहे हो तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 7040 वॉट की। तो एक्चुअल टनेज आप निकालेंगे उसकी तो पूरी 2 टन ही निकलेगी, ठीक है। और जो BMW वाला जो मॉडल है जो फिक्स स्पीड कंप्रेसर के साथ आता है, उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 7350, जी हाँ 7350, एक्चुअल टनेज निकलती है 2.08 टन। तो बहुत ही बेटर AC है ये कूलिंग के मामले में, जितना बोलते हैं उतनी ही कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। प्राइस की अगर बात करूं तो BMW सीरीज का जो AC है लगभग 65,000 के अराउंड आपको कॉस्ट करता है, और इसी तरह से सेटा जो मॉडल है ये आपको 75,000 to 80,000 के अराउंड कॉस्ट करेगा। लेकिन बड़े से बड़े रूम को भी चिल करने का दम रखता है जनरल का ये मॉडल। अब बात करते हैं और AC की, और वो है Mitsubishi इलेक्ट्रिक। Mitsubishi इलेक्ट्रिक के AC बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन Mitsubishi इलेक्ट्रिक में 2 टन का कोई AC नहीं आता। इसमें आपको 1.9 टन का मिलेगा या फिर 2.2 टन का AC मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए आपको कौन सा मॉडल लेना है। हालांकि कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल उतनी ही मिलेगी जितनी ये क्लेम करते हैं, और Mitsubishi के जो ये मॉडल्स हैं ये लगभग 60,000 से 70,000 के आसपास आपको मिलेंगे। तो जो 1.9 टन का इनका AC होता है उसकी कूलिंग कैपेसिटी 6600 वॉट की होती है, और उसकी एक्चुअल टनेज 1.87 टन होती है। तो 1.9 टन का ये जो AC होता है, और इसी तरह से जो 2.2 टन का AC इनका होता है उसकी कूलिंग कैपेसिटी 7600 वॉट होती है। 7600 वॉट एक्चुअल टनेज में 2.16 टन निकलती है। तो ये इनमें एक और चीज अच्छी है कि मॉडल आप कोई भी ले लो, टनेज आप जो ले रहे हो वही टनेज आपको मिलेगी। स्टार रेटिंग अलग अलग हो सकती है लेकिन टनेज उतनी ही रहती है इनके ACs में। तो ये चीज बहुत बेटर है Mitsubishi इलेक्ट्रिक के ACs में। और अगर आपको कोई पावरफुल AC लेना है तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया तो 2.2 टन ले सकते हो, नहीं तो फिर 1.9 टन से आप काम चला लो अगर 2 टन का स्पेस है तो। अब लास्ट में बात करते हैं Mitsubishi हैवी इंडस्ट्रीज के AC की। Mitsubishi हैवी में भी आपको 2 टन का AC नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 2.2 टन का AC। अच्छा, 2 टन का AC मिल भी जाएगा लेकिन मैं उसे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि आपको 2.2 टन वाला ही AC लेना है, और ये AC लगभग 70,000 से ऊपर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक्सपेंसिव AC आपको अगर लेना है तो आपको अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो काम आपने AC से लेना है वो काम हो जाना चाहिए, यानी कि कूलिंग अच्छी मिलनी चाहिए। तो Mitsubishi हैवी इंडस्ट्रीज बहुत बेटर कूलिंग आपको मिलेगी। इसका जो 2.2 टन का AC है इसमें कुछ मॉडल्स आते हैं, तो अलग अलग मॉडल्स की अलग अलग कूलिंग कैपेसिटीज है। तो जो रेंज है वो मिनिमम 7600 यानी कि 7600 वॉट मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी, और मैक्सिमम जो मिलेगी वो 7700 वॉट की मिलेगी। 2.2 टन के 2-3 मॉडल आते हैं इनके, किसी की कूलिंग कैपेसिटी 7600 वॉट होती है और किसी की 7700 वॉट होती है, ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ। अब एक्चुअल टनेज में बात करोगे तो जिस AC की इनके कूलिंग कैपेसिटी 7600 वॉट होती है उसका एक्चुअल टनेज निकलता है 2.16, और जिसकी होती है 7700 वॉट उसका कूलिंग कैपेसिटी से एक्चुअल टनेज निकलता है 2.18। और कोई भी मॉडल ले लो 70,000 से ऊपर इनका प्राइस जाना ही जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 15 ब्रांड्स के AC मैंने आपको बताए हैं, उनकी डिटेल्स भी बताई है। तो आप अब खुद से समझ सकते हैं कि आपको कौन सा AC लेना है। अगर आपको 1.8 टन का कोई AC लेना है तो जो पहले 10 ब्रांड बताए हैं उसमें से आप ले सकते हो। अगर आपको 2 टन का कोई AC लेना है तो बाद में जो 5 ब्रांड बताए हैं उनमें से कोई भी AC ले सकते हो। हालांकि सभी ACs के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो Amazon के ऊपर अवेलेबल हैं, ताकि आपको कोई भी AC लेना हो तो आप उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स वगैरह चेक करके आप परचेज कर सकते हैं। बट स्टिल आई रेकमेंड कि आपको बाद वाले जो 5 ब्रांड मैंने बताए हैं वही AC कंसीडर करने चाहिए, अगर आपको एक्चुअल टनेज 2 टन चाहिए तो। होप सो ये वीडियो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा जिनको एक्चुअली 2 टन का AC चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।